नमस्कार, मैं रीता कृष्णा मोहन, आप देख रहे हैं फर्क इंडिया। झांसी मेडिकल कॉलेज में अग्निकांड के बाद सरकार ने प्रदेश के अस्पतालों की सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाए। उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने हर अस्पताल का नए सिरे से अग्नि सुरक्षा ऑडिट कराने का निर्देश दिए। सभी अस्पतालों से सुरक्षा से जुड़े 20 बिंदुओं पर चेकलिस्ट तैयार कर जवाब देने का निर्देश दिया गया। सोमवार को एनएक्सी में चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी अस्पताल में तार लटकते मिलने, स्विच खराब या क्षमता से कम मिलने पर संबंधित अधीक्षक और निदेशक जिम्मेदार होंगे। उप मुख्यमंत्री ने अफसरों से कहा कि हर अस्पताल की सुरक्षा ऑडिट से सामने आने वाली कमियों को तत्काल दूर किया जाए, हर अधिकारी और चिकित्सा अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाए, समय समय पर मॉकड्रिल कराई जाए, उपकरणों की नियमित जांच हो, हर दिन चिकित्सा अधिकारी अपने विशेषज्ञ टीम के साथ अस्पताल परिसर का राउंड ले, इलेक्ट्रॉनिक वायरिंग की नियमित जांच हो, हाइड्रेट पाइप भी देखे जाए, लगने वाली स्थिति में इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई बंद होने पर अंधेरा न हो, इसके लिए इमरजेंसी बैटरी वाली लाइटें लगाई जाए। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया कि सुरक्षा के मुद्दे पर जहां बजट की समस्या है तत्काल बताएं। अग्नि की कोई दुर्घटना भविष्य में न हो, इसलिए पूरे उत्तर प्रदेश के सभी हॉस्पिटल्स को सुरक्षित मानकों के अनुरूप रखने के लिए एक बड़ी बैठक आज एनएक्सी में संपन्न हुई है। हमारे साथ पूरे हमारे विभाग के दोनों विभागों के चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्य विभाग के सभी उच्च अधिकारी उपस्थित रहे, प्रमुख सचिव महोदय उपस्थित रहे हैं। ये तय किया गया कि किसी भी स्थिति में लापरवाही स्वीकार नहीं होगी। आज एक हम जीओ जारी कर रहे हैं, सभी हॉस्पिटल्स का हम फायर सेफ्टी ऑडिट पुनः कराने जा रहे हैं। जो हमारे फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं उनका भी ऑडिट कराएंगे। जो फायर फाइटिंग सिस्टम है वो चुस्त दुरुस्त व्यवस्था में चलता रहे, इसको सुनिश्चित करेंगे। 24 घंटे हर वार्ड में एक व्यक्ति ट्रेंड रहेगा, जो हमारा वार्ड बॉय या पैरामेडिकल स्टाफ हो सकता है, जिसको ट्रेनिंग दी हुई 8-8 घंटे, कम से कम एक व्यक्ति 24 घंटे में वार्ड में उपस्थित रहेगा, इस बात के भी निर्देश दिए गए हैं। और तय किया गया कि किसी भी स्थिति में जो विद्युत लोड स्वीकृत है उससे अधिक यदि हम उपयोग में लाने का काम करते हैं तो विद्युत सुरक्षा विभाग तथा हमारे जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं उनकी सहमति के बाद ही अतिरिक्त इक्विपमेंट्स को हम प्रयोग में लाने का काम करेंगे। और टेम्परेरी वायरिंग या एक्सटेंशन जो बोर्ड्स होते हैं उनको उपयोग में हम अस्पताल में जहां मरीज रहते हैं, चाहे आईसीयू हो या वार्ड्स, वहां पर नहीं रखेंगे। परमानेंट वायरिंग जो जितने एम्पियर की आवश्यकता है उतने एम्पियर के स्विचेज के भी या प्लग्स की हम उपयोग में लाने का काम करेंगे। जो भी इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के नियम हैं उनके आधार पर हम आगे बढ़ेंगे, काम करेंगे। और शीघ्र से शीघ्र डीजी हेल्थ को और डीजीएमई को कहा गया है कि अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें, आगे जैसा भी होगा हम पुनः आपको बताएं।